9 न्यूज आप देख रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल दिया कुमारी फुल एक्शन मूड में नजर आ रही है। जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी का एक दबंग अंदाज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी की महिला विधायक पुलिस अधिकारियों को फोन पर हड़काते हुए नजर आ रही है। महिला बीजेपी विधायक पुलिस अधिकारी को ये भी बोल रही है कि अशोक गहलोत ने इन्हें लगाया है, लेकिन 4 दिन में बीजेपी की सरकार आ रही है, हटेंगे आप यहां से, ऐसी जगह जाएंगे कि पता नहीं पड़ेगा कि कहां गए हैं। ये वायरल वीडियो जयपुर के झूटवाड़ा पुलिस थाने का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में एक 8 साल की बालिक के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसको लेकर पीड़िता के पिता ने झूटवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पिता का आरोप है कि उनकी 8 साल की बेटी अपनी 5 साल के भाई के साथ स्कूल जाती है। स्कूल वैन का ड्राइवर अब्दुल मजीद पिछले कुछ दिनों से नाबालिग को धमकाकर उसके साथ रेप कर रहा था। ड्राइवर के साथ उसके कुछ दोस्तों ने भी नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने स्कूल से वापस लौटते समय एक सुनसान मकान में छात्रा को ले जाने और उसके छोटे भाई को वैन में बंद रखने का आरोप भी लगाया। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने बाल संरक्षण आयोग से भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आयोग सदस्यों ने पीड़िता के पिता की शिकायत पुलिस को दी। इस मामले में पहले पुलिस टालमटोल करती रही, लेकिन इसके बाद सामाजिक संगठनों का दबाव बनने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन जैसे ही इस मामले की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज कई संगठन शनिवार रात झूटवाड़ा थाने पहुंचे। इसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही विद्याधर नगर से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी भी थाने पहुंच गई। बीजेपी विधायक दिया कुमारी ने लोगों से मुलाकात की और पीड़ित के परिजनों से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैंगरेप के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें और उन पर सख्त कार्रवाई भी करें। बता दी कि दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें राजस्मंद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, जिससे जीत कर वे संसद पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव में बतौर सांसद उन्हें टिकट विधानसभा का दिया गया, तो उसके बाद लगातार चर्चा थी कि उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में अभी इसी सवाल पर बहुत ही ज्यादा मंथन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर चल रहा है कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन बनेगा। हालांकि इसका फैसला तो कुछ वक्त बाद पार्टी ले ही लेगी, लेकिन इस समय इस सूची में दिया कुमारी भी एक नाम शामिल है। और राजस्थान में चुनावी प्रचार के बीच लगातार देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिया कुमारी को जिस तरह का VVIP ट्रीटमेंट मिला था, वो बताता था कि पार्टी उन्हें कोई ऊंचा ओहदा दे सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।